नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनकगंज थाना क्षेत्र के माधवनगर में रहने वाले राजू राठौर का जीतू पंडित ने अपनी पत्नी, बहन और अन्य दो अन्य साथियों के साथ अपहरण किया और हत्या कर शव सिंध नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे आरोपियों ने राजू को ऑटो में बिठाया और उसके साथ लाठी सरियों से मारपीट की। जब उसकी मौत हो गई तो शव को सिंध नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक राजू और जीतू को किस बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसका बदला जीतू ने राजू से लिया। उधर मृतक राजू के भाई ने किसी भी तरह की रंजिश या विवाद से इनकार किया है। मामले है राजू राठौर और जीतू पंडित, इनके बीच में आपसी विवाद था। इस बात को लेकर इनकी फैमिली वालों ने, इसमें उसकी बहन, उसका उसकी बहन, उसकी वाइफ और उसके दो साथी ने मिलकर इसको मारा। किसको मारा? मारा राजू राठौर को मारा, राजू को और सरिया वगैरह से मारा और उसको ऑटो में रख के ले गए। अब देखो पुलिस बरामद करने जा रही है। सबको कहाँ पे है ये? बता रहे हैं कि सिंध नदी में बैठने का है। टीम रवाना है आरोपी को पकड़ने के लिए भी और सबके लिए भी। सर, भैया को रात को रास्ते में से ले गए थे ऑटो में बिठाल के और पीछे से बार किया उनके सर पे। एक बड़ी रोड थी, उसमें 3 लेडीज़ 3 जेंट्स हैं और इनको अब ये बता रहे हैं कि डबरा साइड उनका बता रहे हैं बॉडी वहाँ पे आ गया है। हाँ, क्या नाम है आपके भाई का? राजू राठौर। क्या करते थे? ये बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे। कहाँ रहते हैं? माधव नगर। किस रास्ते से, कहाँ से ले गए थे? ये माधव नगर गेट नंबर 1 और 2 के बीच में से ले गए थे। आप जानते हैं जो 3 लड़के 3 महिलाएं कौन है? जी हाँ, उधर ही नीचे रहते हैं जीतू भट्ट एक और उनके 2 साथी और हैं और उनकी वाइफ है और सिस्टर है जीतू की। हाँ, क्या मामला सही में क्यों ले गए थे? क्या था सर? ऐसा कोई मामला ही नहीं था, किसी और के लिए रंजिश करके बैठे थे ये और इन्होंने उनके कारण उस वो तो मिला नहीं, इससे पुरानी रंजिश नहीं थी उसको ले गए। नहीं, इसकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी उनसे। नहीं।